आज हमने शिमला मिर्च कीमा आलू तैयार किए हैं। इतने स्पाइसी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सीखने का मौका मिलेगा। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, एंड तक देखिएगा, स्किप ना करना अपने वीडियो को, क्योंकि ये जो है मुझे वॉच टाइम पूरा करना है आपकी मदद से। तो प्लीज़ आप हेल्प करें वॉच टाइम पूरा करने में, और प्यार प्यार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके अलावा क्या कहना है मैंने इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। इसके अलावा मैंने ये कहना है कि चलिए आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से हंसते मुस्कुराते खुशो खुर्रम होंगे। आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च कीमा आलू। तो ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ना मेरे पास, ये कल मैंने अरबी के पत्ते बनाए थे, तो उसके लिए जो मसाला फ्राई किया था टमाटर प्याज वाला, वो यकीनन मेरी वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो उसका बहुत सारा मसाला बचा हुआ था, तो उसका मसाला मैंने साइड पर कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो मैं इसमें दोबारा शामिल कर दूंगी, क्योंकि बेसिक मसाला है हर सालन के लिए। टमाटर प्याज का मसाला तैयार किया जाता है पहले, तो इसके ऑयल में जो ऑयल बचा हुआ था उसी में मैंने थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डाला, और अब मैं उसमें कटी हुई प्याज शामिल करूंगी। और प्याज मैंने थोड़ी ली है, क्योंकि पहले भी हमारे पास मौजूद है मसाला तैयार। तो फ़िलहाल एक अदर छोटी प्याज है, वो मैं काट के मैं यहाँ पर, और इसको मैं करूँगी फ्राई। तो वो वाला मसाला जो है वो बाद में मिला देंगे। एक ही बात है, आप मुनासिब साइज़ के प्याज लेकर यहाँ पर फ्राई कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास तो मसाला बचा हुआ नहीं है ना। तो इसको हम करते हैं फ्राई। प्याज देखिए हमारी गोल्डन हो गई है, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज को थोड़ा सा क्रिस्पी गोल्डन किया करें, इससे जो है ना जल्दी घुल जाती है प्याज, वरना खड़ी खड़ी रहती है प्याज जो है। तो आपने क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन करना है, यानी कि हल्की आंच पर, स्लो स्लो फ्लेम पर आप करेंगे, तो आपकी प्याज गोल्डन होने के साथ साथ क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो जब प्याज क्रिस्पी होती है और उसमें हम पानी शामिल करते हैं मसाला भूनने के लिए, तो प्याज जो है वो जल्दी से घुल जाती है। ठीक है, तो ये देखेंगे मैंने स्लो फ्लेम पर किया, और ये इस गोल्डन होने के साथ साथ क्रिस्पी भी हो गई है। अब यहाँ पर हम टमाटर शामिल करते हैं। 3 अदर टमाटर थे हमारे पास, उसको हमने बिल्कुल छोटा छोटा कट किया है, इससे जो है टमाटर जल्दी से घुल जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें, एक से दो मिनट इंतज़ार करते हैं जी। यहाँ पर है हमारे पास 1.5 पाव बीफ कीमा, तो ये इसको हम शामिल कर देते हैं। और इसको भून लेते हैं, इसका गुलाबीपन ख़त्म होने पर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं। प्याज जो थी वो मैंने लो पर किया है गोल्डन। देखिए जी, माशाल्लाह 3 मिनट हो गए हैं कीमे को भूनते हुए, और इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पर स्पाइसेस की बारी आती है। फ़िलहाल जो हम डालेंगे, बाकी मैं आपको बताती रहूँगी, मेरे साथ साथ रहिएगा। हल्दी ली है 1/2 चाय की चम्मच, 1 चम्मच जो है चाय का वो हमने लिया है सूखा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच ली है दड़ा मिर्च, और थोड़ा सा गर्म मसाला, क्योंकि मैं एंड में गर्म मसाला नहीं डालूँगी, तो पिसा हुआ गर्म मसाला ले लिया है। 1 चुटकी कलौंजी की ली है, 1/2 चाय की चम्मच लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम है नमक। तो मिर्च और नमक आप हसब ज़रूरत लें, अपनी मर्ज़ी से लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम मसाले जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और हम इसको करेंगे फ्राई। इसको तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट तक हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी से खुशबू आने लगे। खुशबू तो खैर मसालों की अपनी ही होती है।
बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। कीमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा फ्राई हो गया। ये देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है इसने और मसाले भी हमारे सारे भून गए हैं। तो अब हम वो वाला मसाला शामिल करते हैं जो हमने कल से बचा हुआ जो मसाला था हमारे पास टमाटर प्याज का। तो ये हम जो है तमाम मसाला इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर हैं आलू। हमने आलू दो दो दरमियाने साइज़ के आलू लेकर छील कर इस तरह कट कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। थोड़े छोटे साइज़ में कट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दिया और दो तीन मिनट इसको भून लेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है वो इसमें पानी शामिल नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। अगर आप चाहें मसाला भूनते हुए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आप मसाला भून सकते हैं। आलू भी दो से तीन मिनट हमने भून लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा गिलास, और इसको लो फ्लेम पर ढक देंगे 5 से 7 मिनट ताकि आलू अच्छे से गल जाए हमारे। 7-7 रहिएगा। मज़ीद क्या करेंगे, क्या मसाले शामिल करेंगे मैं आपको बताऊँगी। मिलते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। अच्छा जी, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने खोला है कढ़ाई को, तो 80% हमारे आलू जो हैं वो गल गए हैं और पानी भी तकरीबन जो है आधा गिलास से थोड़ा कम जो मैंने डाला था पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है इसका। तो यहाँ पर जो मसाले मैं शामिल करूँगी आप उसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त इस टाइम पर खुशबू और टेस्ट लाते हैं। टाइम को देखा करें, मसाले शामिल करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मसालों को क्वांटिटी मसालों की और मसालों का टाइम जो है ना, ये एक बेसिक चीज़ है, इसको आपने याद रखना है तो आपका खाना बहुत लाजवाब बनेगा, ठीक है। ये है पिसा हुआ, ये साबुत धनिया था जिसको मैंने दरदरा से ज़्यादा पीस लिया है, यानी कि मुकम्मल नहीं पिसा हुआ लेकिन दरदरा भी नहीं है, उससे कम है। तो ये 1 चाय का चम्मच है और 1 चाय का चम्मच है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने पहले भी शामिल किया लेकिन वो मैंने साबुत शामिल किया, और पिसे हुए ज़ीरे की खुशबू जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और वो इस टाइम पे ये दोनों मसाले हम शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी खुशबू जो है और इनका टेस्ट जो है वो क्या रंग लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने शामिल किए, इसको मिक्स किया, ठीक है। यकीन करें एकदम खुशबू चेंज हो गई है सालन की। और यहाँ पर ये शिमला मिर्च जो है ये मैं शामिल करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। शिमला मिर्च शामिल करके हमने इसको मिक्स करना है अच्छा सा। आप मेरी बात तवज्जो से सुना करें ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। वैसे माशाल्लाह आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई चीज़ नहीं पता होती, ठीक है। क्योंकि हर इंसान जो है ना वो अपने मरने तक जो है वो सीखने के अमल में रहता है, ठीक है। मुकम्मल कभी भी नहीं होता सीखने का अमल, तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अगर हम किसी से कोई चीज़ सीख लेते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। हर चीज़ हर किसी को नहीं आती, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं मज़ीद सीखूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये हम इस तरह इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने, और अब हम इसको जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट रख देंगे दम पर। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं तो खोलते हैं इसको। मैंने बीच में चेक भी कर लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह खोलते ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है कि मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी शिमला मिर्चें भी गल गई हैं। बस इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना इसको, क्योंकि ये घुल जाएंगी फिर, ये बहुत नरम होती है, ये फटाफट हो जाती हैं। तो अब जो है ना इसमें मैं शामिल करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना लास्ट में डालने से जो है वो खुशबू आती है, खुशबू के लिए होती हैं। जो लास्ट में हरी मिर्चें हम डालते हैं ना वो खुशबू के लिए डालते हैं, ठीक है। जो शुरू में डालेंगे तो वो टेस्ट के लिए होंगी, जायके के लिए होंगी। तो बस इसको हम 1 मिनट के बाद जो है फ्लेम बंद कर देंगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए जी, लुक देखें इसकी माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। मैंने इसको थोड़ा सा लाइट में कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें
कितनी ज़बरदस्त, कितनी स्पाइसी और इतनी खुशबूदार कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त हमारी शिमला मिर्च आलू कीमा तैयार हुआ है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, बिल्कुल आपके पैसे नहीं लगते, और वीडियो को शेयर भी करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताएं, और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इसको प्लेट को मैं अब रखती हूँ नीचे ताकि मैं कैमरे को ऑफ़ कर सकूँ।